सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना भगवंत मान। दोस्तों जो प्यार तुसी मैनू दिता ते दे रहे हो ते जो मान सत्कार तुसी मैनू दिता ते दे रहे हो, जे मैं उहदे वास्ते तुहाडा धन्नवाद करां तो शायद ये बेइंसाफी होगी, क्योंकि धन्नवाद लफ्ज़ बहुत छोटा रह गया जी। हुण तां मैं जे हर सांह बाद भी इस मान सत्कार लई प्यार लई धन्नवाद हर सांह बाद कह दिया करा धन्नवाद, तां भी शायद मैं कई जन्म लेने पैणगे। दोस्तों बहुत वड्डे मार्जन दे नाल तुसीं मैनू जिताया ते मेरी जिम्मेवारी लाई कि जाके लोक सभा दे विच साढ़े मसले चुक, साढ़े हक च बोल, उत्थे सानू बणदे हक दवा। ते मैं वह दुगणे पहला नालों दुगणे तिगणे जोश नाल जनून नाल उत्थे जा रहे हैं। पहला थोड़े जे नवें सी, पहला पता नहीं सी, हुण एक्सपीरियंस हो गया, तजर्बा हो गया। तो जिहड़े मैं वादे कीते है मैं सारे पूरे करूँगा, और जिस तरह का प्यार सत्कार दे रहे लोग तो मैं तो ये लगी जाता रहता यार भी परमात्मा मेरी जिम्मेवारी तो मैं समत तो बल बख्शी, बहुत ज़्यादा उम्मीदा लोगों बढ़ गई मेरे तो। सो मैं जिन्होंने मेरे रोड शो रैलियां च आके आप शिरकत की, फिर फेसबुक से सर पोस्टा शेयर करके जा कोई सोशल मीडिया से कोई नारे बना के गाने लिख के मेरे हक च गाने गा के जिमें भी पूरी दुनिया च बैठे जिहड़े पंजाब नूं प्यार करन वाले लोग उन्होंने मेरी मेरे बारे दुआवां कीतियां अरदासां कीतियां, मैं उन्होंने बदौलत लोक सभा जा रहा। तुसी मेरे खंभ हो, खंभा बिना उडारी नहीं हो सकती। हाँ विरोधियों ने बहुत कोशिशां कीतियां, अकाली दल भी मेरे विरुद्ध भगवंत मान रोना, कांग्रेस भी मेरे विरुद्ध भगवंत मान रोना, खैरा ग्रुप सारा मेरे विरुद्ध, सिमरजीत मैस वह मेरे विरुद्ध बोल के गया है जी, गुरप्रीत घुग्गी मेरे विरुद्ध बोल गया, पर शायद उन्होंने पता नहीं सी। एक कहावत है, कहावत नहीं सच्चाई है कि बास जिहड़ा हुंदा वो उन्ना ही ज़्यादा उच्चा उड़ता जिनी हवा वो विरुद्ध हो। जे हवा इधर चल रही है तो बाज ए उड़ता, ठीक है न। सो इन्होंने मेरे विरुद्ध बोल के लोगों तो मेरा साथ होर दवाता, तो कहते यार कल्ले बंदे दबी फिरते हैं, वह गलती की होगी। तो सो आ सर्टिफिकेट मैं मिल गया, लोक सभा चोण का सर्टिफिकेट होंगे है, डीसी वालों साइन हुए होंगे ने, अज यह सर्टिफिकेट मैं मिल गया। तो मैं पिछली बार भी यही सर्टिफिकेट लैके खटखड़ कलां गया सी। आम तौर पर की होंगे कि जो ये सर्टिफिकेट मिलता है तो जो एम पी बनता है वो अपनी पार्टी के प्रधान को जाता है तो वो झोली सर्टिफिकेट पा लेंदा भी आ सीट जित के मैं थोड़ी झोली पाती। पर मैं पिछली बार भी कह खटखड़ कलां जाऊँगा, कल नूं जाऊँगा 12 बजे खटखड़ कलां, शहीद आजम शहीद भगत सिंह होरां दे पैरां दे विच मैं सर्टिफिकेट रख दूँगा कि मैनू पता है शहीद आजम तुसीं ठुड्डा भी नहीं मारते इस एमपीशिप नूं, ये तुहाडी कुरबानी जां तुहाडी शख्सियत दे मुकाबले कितें नेड़े तेड़े भी नहीं खड़ती। पर मैं उस सभा च जा रहा जिहदे विच तुसीं खड़के वाले बंब सुट के मारन वाले नहीं खड़का करन वाले बोलियां सरकारां दे कान खोलन गए सी, ते मैं जुबानां दे बंब सुट के बोलियां सरकारां दे कान खोलूँगा ते लोकां नूं उहदे हक दवाऊँगा। सो वीरो जे तुसीं हैगा टाइम तुहाडे कोल तां 12 बजे खटखड़ कलां एग्जैक्ट पहुँच जूँगा मैं, ते पीलियां पग्गां बसंती रंग दीआं पग्गां बन्न के आउणा, ये उन्हां नूं श्रद्धांजलि देवांगे कि तुसी जिहड़ी जाग लाया सी, जिहड़ा जिहड़ी तुसी जोत जगाई सी उहनूं असीं अग्गे वधावांगे, देश नूं तरक्की वल और विकास वल लैके जाणा। सो कल नूं 12 बजे मैं खटखट कलाऊंगा ते मैं उत्थे मत्था टेकांगे ते उन्हां दे जिहड़े जद्दी घर है उत्थे भी जाके आवांगे ते ताकि उन्हां नूं इक श्रद्धांजलि हो सके। ते अज शहीद करतार सिंह सराभा दा जन्मदिन है, ते ओ ऐसे योधे जिहड़े बहुत बहुत हसल खेडन वाली उम्र च जिहड़ी उम्र च मुंडे अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगदे ने,
उस उम्र च भगत सिंह होरी, राजगुरु सुखदेव होरी, करतार सिंह सराभे होरी गोरियां तो मुल्क मंग रहे कि साडा मुल्क दिओ सानू वापस। सो उन्हां तो वड्डे नहीं हो सकते कदे, वो तो बहुत वड्डियां शख्सियतां सी, आपां तां सिर्फ उन्हां दे पाए हुए पूरनियां ते 0.5% भी चल लईए तां वी क्रांति आ सकती है। सो इस एटीट्यूड कल नूं लैके खड़खड़ कलां जाऊँगा 12 बजे, कोशिश करियो जे खड़खड़ कलां पहुँचा जाए तो उत्थे आपां मिल के मत्था टेकांगे। इनकलाब जिंदाबाद।